आज नगर पंचायत डबरा की सावन धरती में अग्निपथ जो काला कानून लाने हैं हमारे केंद्र की सरकार ओकर विरोध में आज एक दूसरी धरना प्रदर्शन में उपस्थित हमारे नगर पंचायत डबरा के अध्यक्ष आदरणीय अग्रवाल जी एवं कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय पारस भैया जी बागपुरुदा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण प्रताप गल्ले जी एवं उपस्थित मंचासीन समस्त कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित अपन सब समस्या में ए आंदोलन के माध्यम से बताए आए हैं समस्त कांग्रेस के नौजवान भाई मन अब सब में सदर अभिनंदन है। आज तीन और आपने बताई है कि अग्निपथ ये कहा है ये योजना कहा अग्निपथ हो गए मेरे भाई और मेरे माता बहनी मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा हम जिस प्रकार से सुरक्षित है हमारे भारत देश में अगर रक्षा करने वाले कोई है तो देश के जवान सिवा है जब हम बॉर्डर में सुरक्षा करे थे हमारे देश के जेकर बदौलत हम बहुत ही हम आज हमें सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप में। एक केंद्र के सरकार अपन ताना सही बताते हुए एक काला कानून ना है जेने हमें जो नौजवान भाई है एमन को सेना में भर्ती रही और सिर्फ 4 साल तक उन्हें नौकरी करी एक बार उन्हें रिटायर हो जाएंगे तब सोच सकते थे बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या पहले तो तकलीफ है तो बेरोजगारी का दुख है। इंसान है 22 साल 24 साल में अपन रोजगार ढूंढ थे 15 साल 20 साल में तो अपन पढ़ाई में पूरा कर सकते एक और बाद रोजगार के लिए तलाश करते तो जब मैं रोजगार करते रही 4 सालों में छोड़ दी आप में समझ सकते थे नौजवान की पीड़ा नौजवान की तकलीफ में ये केंद्र सरकार ये ताना सही जो फैसला करे है ये बहुत ही गलत है और आज हम विरोध के लिए समर्थन देते हैं। मैं माता बहनी है कहे गए है खजाना न चरित्र नहीं पहरेदार से डर है मोदी सरकार कहे कि मैं पहरेदार हूँ मैं चौकीदार हूँ चौकीदार और पहरेदार रहते हुए नरेंद्र मोदी हमारे भारत देश के पैसा में विदेश में ले गई ये इससे गलत है चौकीदार है तो मैं माता बहनी है मेरी युवा भाई है आप में सहयोग दे रहे साथ दे रहे और आंदोलन में आप में समर्थन दे रहे तब ये हम सब के लड़ाई है। आज आप मन जाना थे आरक्षण के भी बोले खत्म करे थे बोले आरक्षण पूरा तरह से खत्म हो जाते कहा अग्निपथ योजना से आप मन जाना थे आरक्षण के ही बदौलत हम सब में नौकरी मिलते थे लेकिन ये ताना सही सरकार है आज जीवन में लगते बोले छलावा करे थे तकलीफ दे थे हर साल में 2 करोड़ नौकरी में होते थे तब वादा करे रही से अब आप मन जाना थे स्मृति ईरानी जो है सिलेंडर के भाव बढ़ गए हैं कहे जब 300 रुपया सिलेंडर की कीमत है रही से तमीर में बहे बहे सिलेंडर लेती जत रहे हैं आज 1010 रुपये हो गए आज महीना में जाना थे अगर तकलीफ में अब हम अपन घर के सिलेंडर में पद में टांग दे हैं अब केवल अत्याचार करते हुए आप मैं सब देखे थे हैं तो आप सब में निवेदन करना चाहते आज के आंदोलन में समर्थन दे और फोन के माध्यम से युवा भाई मैंने बनाया और ये आप मैं सब जाना थे पहले कहे के जरूरत नहीं है तकलीफ पत्ता महसूस करे था आप सब लोग मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कहा था दुख दिला बताएगी करें नगर पंचायत डबरा में